मॉर्निंग यामू, आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू। क्या हुआ? यूनिफॉर्म में भी तुम दुल्हन की तरह खूबसूरत लग रही हो। स्टेशन से जो हेयर सैंपल्स आए थे उन्हें टेस्ट कर लिया। मर्डर स्पॉट पे जो हेयर सैंपल मिला था उसका डीएनए तुम्हारे भेजे हुए हेयर सैंपल के डीएनए से परफेक्टली मैच होता है। मैं तुम्हें खुद कॉल करके बुलाने वाला था, लेकिन जब फर्स्ट सैंपल का डीएनए टेस्ट हुआ उसके बाद जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी दूसरे सैंपल्स के डीएनए को भी मैंने टेस्ट किया। ट्विस्ट अब आएगा, जो सैंपल हमें स्पॉट पे मिला था उससे सिर्फ पहले सस्पेक्ट का डीएनए ही नहीं दूसरे वाले सस्पेक्ट का डीएनए भी परफेक्टली मैच हो रहा है। सस्पेक्ट दो हैं क्या? हाँ। दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं? यस। डीएनए भी एकदम सेम है, इसका मतलब तुम्हारी कस्टडी में जो दो लोग हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस। सिद्धार्थ के पैदा होने के 15 सेकंड बाद मैं पैदा हुआ। बाप बेटे का डीएनए भी एक जैसा नहीं होता, तो फिर इन दोनों का? बिल्कुल सही, सिर्फ बाप बेटे ही नहीं नॉर्मल ट्विंस भी होते हैं तो उनका डीएनए सेम नहीं होता है, बट आइडेंटिकल ट्विंस एक ही अंडे में फॉर्म हुए दो अलग जीव होते हैं, तो जैसे जेरॉक्स कॉपी बिल्कुल सेम टू सेम होती है वैसे इनका डीएनए भी एज इट इज मैच हो रहा है। सो फाइनली अब ये एविडेंस किसी काम का नहीं है। फोटो एविडेंस को देखकर लगा था कि केस क्लोज हो जाएगा, फिर एक जैसे दो लोग मिले। इतना टॉर्चर किया फिर भी कोई नहीं माना, और डीएनए से बढ़कर और क्या हो सकता है? लगा कि केस सॉल्व हो गया, लेकिन अब ये। ए, डोंट वरी, एक और ऑप्शन है। वो क्या है? फिंगरप्रिंट्स। आइडेंटिकल ट्विंस होने पर भी डीएनए सेम हो सकता है लेकिन फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। क्राइम सीन को हमने अच्छे से देखा था, कुछ होता तो भेज देते। तुम लोगों ने कैसे ढूंढा होगा मुझे पता है। अब जा, इस बार मैं खुद क्राइम सीन में एंटर करूंगा। पॉइंट ऑफ एंट्री कहाँ है? वहाँ। पॉइंट ऑफ एग्जिट? एंट्री यहाँ है तो एग्जिट पॉइंट कैसे अलग होगा? क्यों नहीं हो सकता? जब वो एंटर किया होगा तो रोड पर कोई नहीं होगा, पर एग्जिट के समय किसी को रोड पर देखा होगा और पॉइंट ऑफ एग्जिट बदल ली होगी। हो सकता है कि वो यहाँ से गया हो और हमें जो फिंगरप्रिंट्स चाहिए वो यहाँ पर हो। ग्लव्स। प्यार को प्यार से प्यार किया तो, प्यार को प्यार से जब प्यार किया तो प्यार से हुए प्यार में प्यार के साथ जिंदगी बिताना असली प्यार कहलाता है। हाउ इज इट यामू? बेकार है ना, एकदम बकवास है ना, मुझे पता ही था। एक्चुअली वो इसने लिखा है, मैंने कहा था ना किसी को पसंद नहीं आएगा, आउटडेटेड फेलो। यामिनी, एक ट्रिकी क्वेश्चन। मैरिजेस आर मेड इन हेवन। भारतीय मैट्रिमोनियल .com, तुम्हारी खूबसूरत प्रोफाइल को मैंने पहली बार वहीं देखा। आई नो यू आर ब्लशिंग। मर्डर तो ऊपर ही हुआ है लेकिन वो भाग कर नीचे ही गया है। नो क्लू। पॉइंट ऑफ एंट्री पॉइंट ऑफ एग्जिट होने से क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ नीचे से ही क्यों, कहीं से भी भाग सकता है। करेक्ट। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू फॉलो करना बेटर है। ये तो बेसिक सेंस है, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। पहले तो ठीक से कॉफी बनाना सीख ले, उसके बाद एडवाइस करना। कब लेकर जा? ब्लडी इंटर्न, फॉरेंसिक में मुंह उठाकर चला आया। ये तुम क्या कर रहे हो यामू? एज पर दी फॉरेंसिक्स, इस स्पेसिफिक केस को अगर पुलिस ही हैंडल करे तो ये केस सॉल्व हो सकता है। कथा कहीं का? मुझे इसने नहीं बोला होगा, तुम्हें ही। मम्मी पापा की लव मैरिज थी, माँ के घर वाले नहीं माने, घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की। माँ एक बैंक एम्प्लॉय थी और पापा लॉयर थे। शादी के 6 साल बाद ही दोनों में कंपैटिबिलिटी इश्यूज होने लगे। आपसी मतभेद,
तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हें पैसे कमा के घर चलाने की कोई जरूरत नहीं है, घर में रह के बच्चों की देखभाल करो। मैं कब से गला फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? पागल हो गई हो क्या? तुम डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो? एक बार अच्छे से सोच तो लो भारती। पहले ही 100 बार सोच चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मैं अपना फैसला बदल पाऊंगी। अब सोचने का कोई फायदा नहीं। पापा के पास मैं, मम्मी के पास मैं। लव यू बेटा। लव यू मम्मी। थैंक यू मम्मी। बाकी सब तो ठीक है, तेरी माँ जुआ भी खेलती थी? इस बारे में कुछ बता, सुनने में कुछ फ्रेश लगेगा। उसने बताया ना, होश नहीं बचेगा वो। छोड़ूंगा नहीं मैं। बैठाओ उसे, बैठाओ वहां पे। शांत हो जाओ, बैठ जा। चल बैठ। इतने मर्दों के बीच में क्लब में जाके जुआ खेलना कोई मामूली बात है क्या? बच्चों को स्कूल से घर ले जाते हुए तो बहुत माओं को देखा है, लेकिन जुआ खेलने के लिए साथ ले जाना पहली बार देख रहा हूं। मेरी माँ यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट है, ग्रेजुएशन के बाद नौकरी खुद चलकर आई थी बैंक ऑफिसर की। अगर कोई जरूरतमंद हमारे घर आता तो मेरी मां हर मुमकिन मदद करती। ये सब बताया नहीं उस कमीने ने? चीजें खाने से मना किया है ना बेटा, अब देखो क्या हालत हो गई। भूख लगी थी मम्मी। सॉरी बेटा, कल से मम्मी क्लब बिल्कुल नहीं जाएंगी, ठीक है ना? माँ को उसकी लत कब लगी मुझे और पापा को समझ में नहीं आया। ना समझने वाली कौन सी बात है, शादी के बाद मेरी मां की लाइफ बर्बाद हो गई। दर्द, गुस्सा, इन्हें औरत और मर्द में फर्क नहीं पता। तुम में से ऐसा कौन है जो रिश्वत के पैसों से अपने बच्चों को चॉकलेट नहीं खिलाता? तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें पापा बुलाना बंद कर देंगे? माँ, इतनी कोशिश करने के बाद भी मैं हर बार नाकामयाब हो जाती हूँ बेटा। बहुत मुश्किल हो रही है मुझे ये आदत छोड़ने में। मैं हार गई हूँ। इस महीने की सारी पगार मैं हार चुकी हूँ बेटा। मैं क्या कर रही हूँ ये मुझे खुद नहीं पता। तुम आकाश का केस छोड़कर हमारे गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? जो काम करना है वो करो ना। सिद्धार्थ कंपल्सिव लायर है, झूठ उसकी जुबान पर होता है, जितना दिखता है उतना सीधा नहीं है। एक साल साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के लिए गया था, बताया क्या? क्यों बताऊंगा। थाने के हॉस्पिटल में फोन करके पूछ लीजिए। 2006 जून से 2007 जून तक एक साल के लिए हॉस्पिटल में कौन था, वहां ट्रीटमेंट किसने ली थी, वो सब बता देंगे।
हाँ पूछ लो फोन करके, मैं भी वही चाहता। खाने का कांटा वहां के चीफ डॉक्टर के गले में ऐसे घोंप दिया था, लेकिन वो बच गया। एक महीने तक आईसीयू में पड़ा था, चाहो तो चेक कर लो। मैं फोन करके पूछ लीजिए मैंने किया था या उसने किया था, इस मर्डर केस में भी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। आपने सही कहा था मैडम, वो लॉयर का बेटा है। डॉक्टर की गर्दन पर वार किया था मैडम। उसका नाम क्या था? पता नहीं मैडम, ये 12 साल पहले की घटना है मैडम। मुझे यहाँ आए सिर्फ 4 साल ही हुए, इस बारे में मुझे दूसरों से ही पता चला। और वो डॉक्टर? उनके गले में चाकू भोंका था ना, तो उनका बोलना बंद हो गया था। 1 साल पहले वो भी मर गए। पेशेंट को एडमिट करते समय उनकी डिटेल्स तो ली होंगी ना? लेते हैं मैडम, लेकिन बिल्डिंग में आग लगने की वजह से वो सारी की सारी फाइल्स जल गई, बाकी सब कुछ स्टोर रूम में रखा है। मैं ढूंढता हूँ मैडम, कुछ मिलेगा तो आपको फोन कर दूंगा। ठीक है। इतना काफी है। हाँ बोल। मैं बहुत परेशान हूँ सारथी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं तेरा ही काम कर रहा हूँ, एक सुराग मिला है मुझे, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बाद में फोन करता हूँ। असल में आदित्य की प्रॉब्लम क्या है? माँ के मरने के बाद घर आने से पहले वो ऐसे ही बन गया था, हद से ज्यादा गुस्सा, डिस्टर्ब, फ्रस्ट्रेटेड। समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई? जॉन्डिस, पापा ने बताया था। तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई? जॉन्डिस। झूठ बोल रहा है ये। उसकी माँ की मौत के सच के बारे में सिद्धार्थ नहीं जानता, पर आदित्य को पता है। लड़का जवान हो रहा है और वो गैर मर्दों से पैसे कमा रही है, हमें क्या करना है? हाँ, मुझे तो तरस आता है। मम्मी, तुम भारती के बेटे हो ना? मैं और तुम्हारी मम्मी कोलीग्स हैं। क्लब में बेहोश होकर गिर गई थी तो उन्हें डॉक्टर से दवाई दिलवाई है। दवाइयाँ टेबल पर रखी हुई है, किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। ओके, बाय। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी माँ वैसी औरत नहीं है। मुझे तो गुस्सा द्वेष क्या होता है ये पता भी नहीं था। ऐसी फैमिली में पैदा हुई थी मैं। पापा को हमारी खुशी से ज्यादा इस बात की फिक्र रहती थी कि 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। इन बातों से तंग आकर कहीं दूर जाने का फैसला कर लिया था मैंने, और तभी तुम्हारे पापा से मिली। मैंने घर छोड़ दिया, उनसे शादी कर ली, लेकिन एक पिंजरे से निकलकर दूसरे पिंजरे में कैद होने वाली थी। मुझे पता नहीं चला, वहां मैं अपने पापा से कोई सवाल नहीं कर पाई, और यहाँ तुम्हारे पापा कुछ पूछते थे तो मैं जवाब नहीं दे पाती थी। फिर तुम्हें लेकर मैं वहां से निकल गई, लेकिन मेरे अंदर छुपे एक सवाल ने मुझे धीरे धीरे तोड़ दिया था। दर्द और गुस्से ने कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। औरत और मर्द का फर्क इंसान को तो पता है, लेकिन दर्द और गुस्से को नहीं पता।
मेरी इस आदत ने मुझे बर्बाद कर दिया। कम से कम खेल में तो मैं नहीं हारूंगी, ऐसी ही उम्मीद रहती थी। पर पता नहीं कब मुझे इसका नशा होने लगा। पर मेरा बेटा आधी रात को उठकर चुपचाप दूसरे रूम में जाकर रोता है, और मैं ही उसके रोने की वजह हूं। पर बेटा, मेरे यहां होने का कारण मेरे पापा और तुम्हारे पापा ही हैं, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी तरह से मुझ पर है। तुम्हारी कसम बेटा, मैं आज के बाद क्लब के रास्ते पर भी नहीं जाऊंगी। लव यू बेटा। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। स्कूल के बाद फुटबॉल मत खेलना, वहां से सीधे घर आ जाना। मैं तुम्हारी पसंद की मिठाई बनाऊंगी और शाम को हम शॉपिंग जाएंगे, ठीक है बेटा? एक रास्ता पसंद नहीं आया तो दूसरे रास्ते चली गई, लेकिन तुम्हारी माँ ने कभी गलत काम नहीं किया बेटा।